बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए नहीं जा रही है। और वैसे तो मैं बीजेपी के बारे में रोजाना अधिकांश अपनी चुनावी जनसभाओं में ये कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में तो बीएसपी की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है और बीएसपी लगभग 300 के करीब सीटें जीतने वाली है और बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो अब उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी लड़ाई लड़ी है तो वो कांग्रेस और सपा गठबंधन से लड़ाई लड़ी है दूसरे और तीसरे चरण पर आने के लिए। ये जो तीसरे चरण का वोटिंग हुआ है उसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी और इनके जो वरिष्ठ नेता हैं और खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनको भी ये एहसास हो चुका है कि यूपी में बीजेपी सरकार बनाने के लिए नहीं जा रही है। इसलिए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो पिछले दो तीन दिनों से जो मैं देख रही हूँ, बल्कि 8-9 दिन की मैं बात कर रही हूँ, ये तो अभी 2-3 दिन की है, तो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी तो अपनी खराब हालत को देखते हुए चुनाव में तो वो गलत बयानबाजी बहुत कर रहे हैं। और खास तौर से अभी पिछले 2-3 दिनों में मुझे ये जानकारी मिली है और मैंने भी ये मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है, मुझे पार्टी के लोगों ने भी बताया है कि पिछले 2-3 दिनों से तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो इतनी गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि आसानी से लोगों के गले के नीचे से उनकी बात उतर, जो वो कह रहे हैं तो आम लोगों के गले के नीचे से बात उतर नहीं पा रही है। वो अपनी चुनावी जनसभा में खास तौर से अपनी हार को देखते हुए तो इस चुनाव को इस प्रयास में लग रहे हैं कि इसको जाति और धर्म का रंग दे दिया जाए।